ज्यादा का मुनाफा, फटाफट उठाए फायदा। अगर आप एफडी में पैसा लगाते हैं तो आपके लिए मोटा रिटर्न पाने का बड़ा मौका है। नई कॉर्पोरेटेड एफडी में निवेशक को 10.1% की दर से ब्याज मिलेगा। आइए जाने कैसे लगाए पैसे। फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने नई एफडी पेश की है। इसमें निवेशक को 10.1% की दर से ब्याज मिलेगा। आपको बता दें कि एफईएल में बिग बाजार, फैशन बिग बाजार, होम टाउन जैसे ब्रांड आते हैं। आपको बता दें कि बैंक ही नहीं बल्कि एनबीएफसी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी एफडी लाती है। आम निवेशकों को इसकी कम जानकारी होती है, इन्हें कॉर्पोरेटेड एफडी कहते हैं। आइए जाने इसके बारे में। 10,000 से करनी होगी शुरुआत। एफईएल में एफडी कराने के लिए निवेशकों को न्यूनतम 10,000 रुपए जमा कराना होगा। इसकी अवधि 1, 2 या 3 वर्ष हो सकती है। इसमें सिर्फ भारतीय नागरिक ही निवेश कर सकते हैं जिनके पास पैन कार्ड हो। इसके अलावा इनमें संयुक्त रूप से एक से अधिक लोगों के नाम भी निवेश कर सकते हैं। अगर आप 3 साल की अवधि के लिए इस योजना में क्यूमुलेटिव स्कीम के तहत निवेश करते हैं तो आपको 10.1% सालाना की दर से ब्याज मिलेगा। 2 साल की अवधि के लिए यह दर 9.6% और 1 साल की अवधि के लिए यह दर 9.1% है। हालांकि नॉन क्यूमुलेटिव स्कीम के तहत निवेश करने पर आपको 1 साल की अवधि के लिए 9%, 2 साल की अवधि के लिए 9.5% और 3 साल की अवधि के लिए 10% से ब्याज मिलेगा। एफडी में किए गए निवेश पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री नहीं है। इस पर मिलने वाला ब्याज निवेशकों की अन्य स्रोत से आय में जोड़ा जाएगा और उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। हालांकि सालाना 5,000 रुपए तक का ब्याज टैक्स फ्री है। यह टैक्स कंपनी काट कर सरकार के पास जमा करेगी और आपको 15 GH फॉर्म सबमिट करना होगा। कंपनियों की एफडी अनसिक्योर्ड होती है। हालांकि एफवीएल की एफडी को केयर रेटिंग्स ने स्टेबल की श्रेणी में रखा है। इसका अर्थ यह है कि इसमें निवेशकों की पूंजी सुरक्षित है। यह रेटिंग्स पिछले साल 1 नवंबर को जारी की गई थी, लेकिन निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि रेटिंग समय के अनुसार बदलती है और जरूरी नहीं है कि एफडी की पूरी अवधि के दौरान यह समान हो। कंपनी के डिफॉल्ट होने पर क्या होगा? फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट के रूप में जितने भी विकल्प निवेशकों के सामने होते हैं उनमें रिस्क होने के मामले में कंपनी एफडी भी शामिल होगी। अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट होती है तो पहले उसमें आपकी जो भी एफडी होती थी वो पूरी डूब जाती थी। कंपनी एक्ट 2013 में इस नियम में बदलाव कर निवेश को सुरक्षित किया गया। इस एक्ट के तहत सिर्फ वह कंपनियां ही पब्लिक से डिपॉजिट जुटा सकती है जिनकी कुल पूंजी 100 करोड़ रुपए से अधिक हो या उनका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से अधिक हो। बैंकों में निवेशकों की एफडी 1,00,000 रुपए तक इंश्योर्ड होती है, जबकि कंपनी में 20,000 रुपए तक की एफडी ही इंश्योर्ड है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।